दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। जितना आपके पास है उसे कम दिखाओ, और जितना आप जानते हो उससे कम बोलो। जिंदगी में कभी उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आ जाए। एक तरफ नफरत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है, दूसरी तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने में जिंदगियां गुजर जाती हैं। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए दौलत की नहीं महज एहसास की जरूरत होती है। किसी से इतना भी नाराज ना हो कि दूसरा आपको मनाते मनाते थक ही जाए। मैंने बदतमीज लोगों से तमीज सीखी, बातूनी लोगों से खामोशी सीखी, और बेअदब लोगों से अदब सीखा। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना के रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। बेवकूफ से बहस करना दरअसल ये जाहिर करता है कि बेवकूफ एक नहीं बल्कि दो है। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो समझ जाओ सच बोला जा रहा है, और अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझ जाओ अल्लाह हाफिज कहा जा रहा है। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। कुछ लोग मेरी दुनिया में खुशबू की तरह हैं, जो रोज महसूस तो होते हैं पर दिखाई नहीं देते।